ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, परंतु कई बार इतना ज़्यादा डूब के सुन जाते हैं कि आप तालियां बजाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो कभी किसी कवि ने कहा था कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो आपकी जो तालियां हैं वो निरंतर कवियों का उत्साह वर्धन करती रहे। और आइए दोस्तों इस काव्य रथ को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा रस परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं। हमारे बीच में श्रृंगार रस पढ़ने वाली और बहुत ही मधुर कंठ जिनके पास है, आगरा से चलकर आई हैं डॉक्टर भूमिका जैन जी, जिनके बारे में जब शूल जी बता रहे थे उन्होंने भी परिचय दिया था कि आकाशवाणी में उद्घोषिका भी हैं वो, और बहुत ही अच्छा श्रृंगार और मोहब्बत के गीत, गजल और जो भी उनका मन है यहाँ पर सुनाना चाहती हैं वो सुनाएं। मैं तो बस चार पंक्तियाँ उनकी अगवानी में ये कहना चाहता हूँ कि देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, कि देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। कि देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। आपकी जोरदार तालियां उठें और डॉक्टर भूमिका जैन आप लोगों के समक्ष। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय मनीषी मंच और आप सबकी इस कविता प्रेम को प्रणाम करती हूँ। संख्या में भले ही आप लोग कम हैं मगर हमारे लिए काफ़ी हैं। एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं और मुझे आदेशित करें, और थोड़ा सा ईको बढ़ा दीजिए भैया। वो जरूर सुनाना। हेलो हेलो, बाकी जो सुनाना चाहती हूँ वो तो सुनाओ ही, वही नहीं सुनाना। कि आँख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, आँख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, दर्द चुन चुन कर गजल नज़में बनाना जानती हूँ, आँख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, दर्द चुन चुन कर गजल नज़में सजाना जानती हूँ, और मंच से कविता सुनाना तो अदीबों की अदा है। मंच से कविता सुनाना तो अदीबों की अदा है। मैं तो बस एहसास की कलियां लुटाना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और माँ वागेश्वरी के स्तवन के लिए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना मूल काव्य पाठ शुरू करूँगा। सुनिए। ज्ञान की इस ज्योति की पग धूली को चंदन करूं, काव्य सुमनों से सजे इस मंच को वंदन करूं, ज्ञान की इस ज्योति की पग धूली को चंदन करूं, काव्य सुमनों से सजे इस मंच को वंदन करूं, मैं सृजनरत साधकों की ओर से मस्तक झुका, आप सब सुधियों का बारंबार अभिनंदन करूं। अब यहाँ से कुछ मुक्तक आपके बीच प्यार मोहब्बत के पढ़ देती हूँ, उसके बाद एक गीत का आदेश हुआ है आदरणीय। सुनिए। जाम तो तुमने भी पिया होगा, जाम तो तुमने भी पिया होगा, दर्द को तुमने भी जिया होगा, जाम तो तुमने भी पिया होगा, दर्द को तुमने भी जिया होगा, किस लिए रोकते हो तुम मुझको, प्यार तो तुमने भी किया होगा, प्यार तो तुमने भी किया होगा। बहुत अच्छा। और गुंचा गुंचा गुलाब कर डाला,
आप सबका समर्थन चाहते हो कि ऊंचा ऊंचा गुलाब कर डाला, ऊंचा ऊंचा गुलाब कर डाला, जलते शोलों को आब कर डाला, तेरे एहसास की चुवन ने मुझे, तेरे एहसास की चुवन ने मुझे शायरी की किताब कर डाला, शायरी की किताब कर डाला, ओ मेरे हर गीत की जमी तुम हो, मेरे हर गीत की जमी तुम हो, आँख में प्रीत की नमी तुम हो, यूं तो सांसें भी चल रही हैं मगर, यूं तो सांसें भी चल रही हैं मगर, सांस में सांस की कमी तुम हो, सांस में सांस की कमी तुम हो। सुनेगा कि चांदनी में चमक नहीं होती, रात सुर्ख शफक नहीं होती, तू न होता तो चूड़िया होती, तू न होता तो चूड़िया होती, चूड़ियों में खनक नहीं होती, चूड़ियों में खनक नहीं होती, और ख्वाहिशों में शुमार हो जाऊं। दादा सुनेगा कि ख्वाहिशों में शुमार हो जाऊं, उसके दिल का करार हो जाऊं, ख्वाहिशों में शुमार हो जाऊं, उसके दिल का करार हो जाऊं, उसके एहसास की हरारत में तपते तपते बुखार हो जाऊं, तपते तपते बुखार हो जाऊं। और एक मुक्तक अपने मिजाज का, अपने परिचय का अलग तरह से कहने की कोशिश की है, सुनेगा जी। कि अपनी किस्मत को टाल रखा है, यहाँ से आपकी कविता की समझ प्रारंभ होती है, सुनिएगा। कि अपनी किस्मत को टाल रखा है, खुद में सबको संभाल रखा है, फैसले की भी कोई शर्त नहीं, सिर्फ सिक्का उछाल रखा है, सिर्फ सिक्का उछाल रखा है। ये एक बार फिर से पढ़िए, ये बहुत आभार, शुक्रिया, बहुत अच्छा। कि अपनी अपनी किस्मत को टाल रखा है, खुद में सबको संभाल रखा है, फैसले की भी कोई शर्त नहीं, सिर्फ सिक्का उछाल रखा है, सिर्फ सिक्का उछाल रखा है। साथियों, माहौल को थोड़ा सा संजीदा करना चाहती हूँ, क्योंकि कविता केवल मनोरंजन का विषय नहीं होती। बिल्कुल, एक मुक्तक तक अपनी खुद की संवेदनाओं का आपके बीच रखकर एक गीत देकर अपना स्थान ले लूंगी, और वो मुक्तक वहाँ से आया। थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइए, जब इस देश में 6 महीने की बच्चियों के साथ, एक साल की बच्चियों के साथ दुराचार होते हैं, तो एक माँ की दृष्टि से, एक स्त्री की दृष्टि से कैसे मैंने उसको देखा, क्या उस बच्ची के साथ उसके मन की क्या मानसिकता रही होगी, सिर्फ एक मुक्तक मैं आपके बीच रखती हूँ। क्या हुआ होगा उस एक साल की बच्ची के साथ, जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो रहा होगा, मैं निवेदित करती हूँ, सुनेगा। कि रूह खुद में सिमट गई होगी, रूह खुद में सिमट गई होगी। मेरे किसी मुक्तक पर आपने कोई ताली नहीं बजाई, कोई बात नहीं, मैं मंच से विशेष निवेदन चाहती हूँ, इस मुक्तक पर जरूर ध्यान दें। कि रूह खुद में सिमट गई होगी, मिट्टी धरती से सट गई होगी, रूह खुद में सिमट गई होगी, मिट्टी धरती से सट गई होगी, उसने पहले तो माँ कहा होगा, क्या दर्द है, उसने पहले
गई होगी, लिपट गई होगी। बहुत अच्छे साथियों, एक गीत स्वागत जी का स्वागत आदेश हुआ है, मैं रखती हूँ आपके बीच। स्वागत। स्त्री की संवेदनाओं का गीत है। हमारे देश में नारियों का बहुत सम्मान होता है, लेकिन उसी देश में नारियों के साथ ऐसे ऐसे दुराचार भी होते हैं जो स्वीकारने में कहीं ना कहीं हम सबको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तब कहती हूँ कि असल में वास्तव में स्त्री क्या है, मैं अपनी भाषा में अपने शब्द देती हूँ, आप अपने भावों से मेरा सहयोग कीजिएगा। मैं निवेदित करती हूँ, सुनिए। स्वागत। सृष्टि की शुभ कल्पना में, थोड़ी सी साहित्यिक भाषा है, एक एक शब्द के साथ अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा वादा है, सुनिएगा। सृष्टि की शुभ कल्पना में, सप्त स्वर की अर्चना में, यूं तो हूँ मैं मौन में, पर आ पड़े तो गर्जना में। वाह। सृष्टि की शुभ कल्पना में, सप्त स्वर की अर्चना में, यूं तो हूँ मैं मौन में, पर आ पड़े तो गर्जना में। धार हूँ आधार हूँ अवतार हूँ उपकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, जिंदाबाद। क्या बात है। व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं, क्या बहुत समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। बंद के साथ यात्रा कीजिएगा। क्या होती है स्त्री, अगर प्रेमिका के रूप में देखें तो किन शब्दों में कहेंगे, सुनेगा। कि रेशमी एहसास हूँ मैं, रेशमी एहसास हूँ मैं, शबनमी मधुमास हूँ मैं, रेशमी एहसास हूँ मैं, शबनमी मधुमास हूँ मैं, हूँ अमर तृप्ति कभी तो और कभी बस प्यास। क्या बात है। वाह। रेशमी एहसास हूँ मैं, शबनमी मधुमास हूँ मैं, हूँ अमर तृप्ति कभी तो और कभी बस प्यास हूँ मैं। पत्थरों सी दृढ़ कभी तो भावना का ज्वार हूँ मैं, क्या समझ बहुत कर कह दिया बहुत के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। ओ डगमगाते से पगों को थाम कर चलना सिखाऊं, डगमगाते से पगों को थाम कर चलना सिखाऊं, तोतली बोली को अपने प्यार से भाषा बनाऊं। कविता की एक भाषा होती है, समझने की कोशिश कीजिए। कि डगमगाते से पगों को थाम कर चलना सिखाऊं, तोतली बोली को अपने प्यार से भाषा बनाऊं। पंती मंच को निवेदित करती हूँ। स्वागत। कि जड़ को चेतन जो करे उस प्रार्थना का सार हूँ मैं, मत कहो के भार हूँ ना व्यर्थ ना बेकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं। वाह वाह। और स्त्री एक साथ कितने रिश्ते निभा सकती है, प्रतीकों के माध्यम से सुनेगा। कि प्रीत की मेहंदी हो चाहे, प्रीत की मेहंदी हो चाहे राखियां हो नेह की, प्रीत की मेहंदी हो चाहे राखियां हो नेह की, हो दुआ की अर्जियां या चिट्ठियां इस नेह की, हूँ कभी
क्या समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ मैं, क्या समझ कर कह दिया के व्यर्थ हूँ बेकार हूँ। वाह वाह। और गीत का अंतिम बंद आपके मध्य रखती हूँ और आप सबकी संवेदनाओं की फिर से एक बार अभिलाषा करती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत। कि मैं प्रसव की वेदना हूँ, मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ, मैं प्रसव की वेदना हूँ, शक्ति हूँ संवेदना हूँ, प्रेम के अंतह पलों की शून्य सी संचेतना हूँ, दाव पर जीवन लगा नव सृजन को तैयार। वाह 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 वाह। दाव पर जीवन लगा नव सृजन को तैयार हूँ मैं, क्या समझ कर के